बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। आज हम कर रहे हैं टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस यूनिट 2 फिजिक्स क्लास 9। आज हम उसमें जो टॉपिक करेंगे वो है लाइक एक जैसी एंड अनलाइक एक दूसरे से मुख्तलिफ पैरेलल मुतवाजी फोर्सेस कुवतें, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसी तरह एक दूसरे के अपोजिट है, अल्लाह ताला नूर की तरफ बुलाता है। जो लोग ईमान लाए हैं अल्लाह उनका दोस्त है और उनको अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले जाता है, और शैतान जो है वो रोशनी से निकाल कर अंधेरे में ले जाता है। अल्लाह का दोस्त बनना बहुत आसान है। अल्लाह ने अपनी किताब हमारी तरफ भेजी है, ये अल्लाह इसको गौर से पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर ईमान लाना चाहिए। इसकी खाली अरबी में तलावत करनी भी सवाब का बाइस है, लेकिन इसके असल हकूक़ तब अदा होते हैं जब हम इसको समझ कर पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज से अपने ऊपर लाजिम कर लें कि आपने कम अज़ कम रोज़ाना कुरान की 3 आयात तर्जुमे के साथ पढ़नी है और उस पर इंशाल्लाह अमल भी करना है। वी कम अक्रॉस ऑब्जेक्ट्स ऑन विच मैनी फोर्सेज आर एक्टिंग, हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें देखते हैं जिनके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा गाड़ी जब ख़राब हो जाती है तो मैनी पीपल पुश अ बस टू स्टार्ट इट, जब वो रुक जाती है तो बहुत सारे लोग उसको पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं ताकि वो स्टार्ट हो जाए। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, वेट ऑफ बैग इज ड्यू टू वेट ऑफ ऑल द एप्पल्स इन इट, एक बैग है उसके ऊपर उसके अंदर एप्पल्स हैं, सेब हैं, और जो भी उसका वजन है वो उन सेब की वजह से है। सिंस द वेट ऑफ एवरी एप्पल इन द बैग इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, जितना भी हर एप्पल का जो है उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कशिश शक्ल काम कर रही है जिसकी वजह से उसका वेट है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट्स आर एप्पल्स आर द पैरेलल फोर्सेस, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो ये वेट पैरेलल है, मुतवाजी है। सो लाइक पैरेलल फोर्सेस हुज लाइंस ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल ऑफ देम एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, यानी उनकी पैरेलल होती हैं और सेम डायरेक्शन में एक्ट करती हैं। अब एक और एग्जांपल लें, एन एप्पल इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, एक सेब जो है वो एक स्ट्रिंग के साथ लटका हुआ है। द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड ड्यू टू द वेट ऑफ द एप्पल, जो रस्सी है वो खिंची हुई है वेट ऑफ द एप्पल की वजह से। वेट ऑफ द एप्पल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उस पर वेट ऑफ द एप्पल है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और दूसरी जो फोर्स है वो है टेंशन इन द स्ट्रिंग पुलिंग इट वर्टिकली अपवर्ड्स, तो टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ खींच रही है सेब को। टू फोर्सेस आर पैरेलल बट अपोजिट टू द ईच अदर, दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हैं। द फोर्सेस हुज लाइंस ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, आप देखें कि पैरेलल टू ईच अदर हैं लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट एक्ट करती हैं। सो वी हैव लर्न, हमने आज सीखा कि टू टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस होती हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल होती हैं लेकिन लाइक में उनकी डायरेक्शन भी एक होती है और अनलाइक में उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस